जी जी अरे हाँ बोलो। देखो बात कर, हम पिंक के लिए मॉडल्स आई हैं, तुम बात करना। हाँ मैंने देखा और काफी अच्छे हैं, पर ये सब प्रोटीन पाउडर और बस फूड कलर से बने हैं, यू नो। बहुत अच्छे, मेरा तो अभी बहुत सारा। क्या चल रहा है जेजे, ये आवाज कैसी? मिस्टर जान मॉडल्स आ गए हैं। वो सब परफेक्ट हैं, ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज यू। कम ऑन, मेरे जितना परफेक्ट कौन हो सकता है? सनन, सिनान, तुम यहाँ? क्या चल रहा है? कितने सालों बाद मिले हम, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हाल चाल पूछे जा रहे हैं? मैं वही सोच रही थी कि ये आदमी मुझे घूर क्यों रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। हाँ मिस्टर जान, इनसे मिलिए, ये है सिनान, मेरा दोस्त है बचपन का। और अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त? हाँ, बचपन का दोस्त है। Hey, nice to meet you. Pleasure to meet you, sir. अब जानते हैं सनम, मेरी स्कूल में करीबी दोस्त थी, हम हमेशा साथ में रहते थे, बहुत मस्ती किया करते थे, है ना सनम? अच्छा हाँ, जब लड़कियाँ स्किपिंग करने जाती थी तब मैं इसके साथ फुटबॉल। और मुझे याद है तुम्हारे पास एक रेड शॉर्ट्स था, वो तुम पर कितना जचता था, बहुत प्यारी लगती। तुम्हें याद है? कैसे भूल सकता, ब्यूटीफुल, वो भी शॉर्ट्स में, इतने शॉर्ट्स में ब्यूटीफुल, कोई ब्यूटीफुल लग सकता है शॉर्ट्स में? नहीं नहीं, इतना शॉर्ट नहीं, यहाँ तक जितना कि फुटबॉल के प्लेयर्स पहनते हैं, बस उतना ही। पर तुम सिनान, सब लड़कियाँ तो तुम पर मरती थी, और मैं भी। अच्छा तुम भी प्यार करती थी? हाँ, तुम आशिक थी क्या? आशिक मैं नहीं, वो थे, वो, मैं आशिक नहीं थी, वो थे आशिक। और वो था ना, तुम्हें याद है वो? वो कभी नहीं भूलती, कभी नहीं, उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, इसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसे सब याद रहता है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब कुछ याद है। हम बाद में बात कर सकते हैं सिनान, मुझे थोड़ा काम करना है। ठीक है, पर कहीं गुम मत हो जाना, इतने सालों बाद मिले, कॉफी पर तो चलना ही चाहिए, ठीक है? हाँ, जरूर आऊंगी। तुम गुम हो जाओगी, तुम भूल गई कि तुम्हें स्कूटर चलाने के लेसन्स लेने बाकी है, तुम्हारी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, फिर तुम कैसे भूल गई ये सब? हाँ सिनान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ, सच में हमारे लेसन्स थे। हाँ, स्कूटर राइडिंग। ओ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे जाना होगा। डोंट वरी, फिर कभी चलेंगे, कोई बात नहीं, हम फिर से मिल सकते हैं जहाँ तुम कहो, है ना? सनम, I'm so sorry, काश ये मुमकिन हो पाता, पर ऐसा नहीं हो सकता, पता है क्यों? क्योंकि सनम हमेशा ही बिजी रहती है, इसलिए वो काम छोड़कर नहीं आ सकती, यू नो व्हाट आई मीन। तुम जाओ और प्रेपरेशंस देखो, हमें बहुत काम करने हैं, तुम जाओ और डिटेल्स चेक कर लो शूटिंग के पहले, ठीक है ना? हाँ सनम, हम बाद में बात करते हैं। जे जे, सिनान को अंदर ले जाओ, ये पहले प्रेपरेशन रूम में जाएंगे, तुम इन्हें साथ ले जाओ और सब दिखा दो, और इनको कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ओके? अपना टाइम लो भाई, कोई चीज की जल्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मुझे कॉफी पीनी है। ओह शिट, कॉफी। हाँ ठीक है ठीक है, क्लीन ग्लासेस। मिस्टर जॉन, अरे कोई बात नहीं, मुझे दो ना, मैं बना लूंगा, मुझे शुगर देना वहाँ से। मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, दीजिए ना मुझे। अच्छा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा याद आ रही थी, कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों स्कूल मेट्स हो, इतने सालों बाद मिले हो, एक दूसरे को इतना किस 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 किए जा रहे हो, एजेंसी ये ऑफिस है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? हाँ माना कि तुम लोग पुराने दोस्त हो, पर ये क्या बात हो गया? मुझे भी यही लगा था जब सायदा और गामसी यहाँ आई थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। क्या कहना चाह रही हो तुम सनम? हाँ क्या? कुछ नहीं, हम बस अच्छे दोस्त है, तो किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सनम टॉपिक चेंज मत करो, ठीक है? मैं नहीं कर रही सनम, ये मॉडल्स का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, बी केयरफुल कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है ना? अभी तुम ऑफिस में हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम कहाँ, और उसके बाद अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। आप मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ एज अ क्लोज फ्रेंड, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सनम भी तुम्हारा दोस्त है, और मैं भी तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। पर वैसा लग तो नहीं रहा। तो कैसा लग रहा है, बताओ? मतलब ये है सनम मेरा नॉर्मल फ्रेंड है, और मैं स्पेशल। तुमने स्पेशल कहा, तुमने कहा कि मैं स्पेशल हूँ, पर तुम्हें उसका मतलब पता है? मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, मैंने तो बातों का बतंगड़ आपसे बनाना सीखा है। स्पेशल वाली बात के बारे में बताओ। मैंने थोड़ी पहले स्पेशल कहा था, वो तो आपने कहा था कि मैं आपकी स्पेशल फ्रेंड हूँ, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह, एकदम स्पेशल, और कोई आए तो डोंट एंटर। चलिए ना, हम स्कूटर लेसन के लिए चलते हैं। हाँ चलो, मैं वहाँ जा रही हूँ, ओके? हम दोनों को जाना होगा, है ना, क्योंकि मैं लेसन दूंगा। पर ये क्या था आशिक, मतलब सब लोग उसके नहीं, पीछे पर हम नहीं। सब उस पर मरते थे। मैंने कहा आशिक पर, मैं नहीं, वो लड़कियाँ। मैं बस आपको ठीक से समझा नहीं पाई।